This is Garima Singh for Concord Academy. This is a revision lecture of Chapter 1 of the subject Enterprise Information System, which is a subject in CA Intermediate. Enjoy studying. Your subject that is Enterprise Information System carries 50 marks, jo ki SM se, jo aapka second part hai, Strategic Management, usse alag hai. Enterprise ka kya matlab hota hai? Kisi bhi form of organization ko, chahe wo sole proprietorship ho ya partnership ho, जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है हम उसको एंटरप्राइज कहते हैं. और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी तरह का डेटा जो प्रोसेस किया गया हो, डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड, ताकि विच कैन इनेबल अ रिसिपियंट, कोई रिसिपियंट है जो उसको, जो डेटा रिसीव कर रहा है उसके लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए मदद कर सके, जिसको पढ़ के समझ के जो व्यक्ति है वो डिसीजन ले सके, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उस डेटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. और सिस्टम का क्या मतलब होता है? कुछ कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर सिस्टम की तरह सोचिए, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक टास्क कर रहे हैं सारे के सारे इंटीग्रेटेड मैनर में, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं सिस्टम. ऑलराइट, तो सिस्टम डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो एक कंप्यूटर सिस्टम होगा और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. सिस्टम तो आपकी बॉडी भी है, कुछ ऑर्गन्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मैनर में मिलके एक कॉमन टास्क, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो हमने उसको क्या कहा? सिस्टम. ऑलराइट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. आपका पहला चैप्टर है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस. क्या क्या मतलब होता है और ये कितने तरीके के हो सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एंटरप्राइज, वेदर इट इज़ अ स्मॉल फर्नीचर शॉप और इट इज़ इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सब जगह पर कुछ ना कुछ बिजनेस प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल आप खरीद के लाते हो, फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो और फिर सेल करते हो, या फिर आपको कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, आप उस ऑर्डर को बनाते हो और फिर उसके बाद उससे पैसे रिसीव करते हो. ये सारी के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो हर एक बिजनेस में होते हैं. उसका ऑटोमेशन क्यों करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, उससे क्या रिस्क्स हो सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद टेलिंग यू दैट अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स. बहुत तरीके के इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, बहुत तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहाँ का डेटा अलग होगा. एक पर्सनल डिपार्टमेंट होगा जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का डेटा मेंटेन कर रहा होगा. एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा होगा या अकाउंटिंग कर रहा होगा, टैक्सेस का कंप्लायंसेस कर रहा होगा. तो अलग अलग तरह का डेटा होता है, अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वो डेटा जो होता है वो ना फ्रैगमेंट्स में होता है, इधर उधर. आपका डेटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी मेंटेन हो रहा होगा बिकॉज दे हैव टू पे TDS, दे हैव टू डिडक्ट TDS और उसको पे करना होता है. और आपका डेटा जो है वो HR डिपार्टमेंट में भी मेंटेन हो रहा होगा फॉर योर सैलरी या फिर आपके प्रोफाइल के लिए. आपका डेटा जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट में भी मेंटेन हो रहा होगा कि आपने कितनी लीव्स ली, इस तरह की चीज़ों के लिए. तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डेटा हो जाता है. तो हम इसीलिए EIS के लिए, EIS जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑटोमेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो एक सेंट्रलाइज जगह पर आ जाए और डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, और जिसको भी डेटा चाहिए वो एक सिंगल सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी से वो डेटा फेच कर सके. उसके लिए हम रूल्स लगाते हैं कि कौन एडिट कर सकता है डेटा को, कौन चेंज कर सकता है. ऑलराइट, नाउ वील प्रोसीड फर्दर. ये आपके बुक में जो है एक डिपार्टमेंट जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि सबसे पहले तो ऑर्डर करता है कस्टमर, आपके पास ऑर्डर मिला, फिर आप वेयर हाउस को कहते हो देख वेयर हाउस तेरे पास ऑर्डर्ड आइटम्स हैं या नहीं है, तो कहता है हाँ हैं, तो वो पिक करता है. पिक से मतलब है कि वो वेयर हाउस जो है दैट पिक्स फ्रॉम द फैक्ट्री, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इफ़ द वेयर हाउस इज हैविंग द रिक्वायर्ड आइटम्स इट विल सेंड टू द शिपिंग कंपनी इट्सेल्फ. ओके, फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो इन्वॉइसिंग करता है. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर एक कस्टमर बड़े बड़े ऑर्डर्स देता है, मान लीजिए मशीन्स ऑर्डर करी, बड़ी बड़ी मशीन्स, तो वहाँ पर वेयर हाउस के पास गया है, फिर उसके बाद में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास गया जो इनवॉइस जो है वो रेस करता है कस्टमर को. और उसके बाद जो डेटर्स डिपार्टमेंट है वो ये देखता है कि पेमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं या नहीं समय पे, क्रेडिट कितना दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड कितना दिया हुआ है, कितने समय में जो कस्टमर है वो पेमेंट हमको करने वाला है. ठीक है, एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस का डेफिनेशन क्या है? अ बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी
और अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट विल अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल. कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ काम चल रहा है, ठीक है, कुछ काम चल रहा है जिससे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हमको हासिल करना है. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो गया, प्रोडक्शन करके फिनिश्ड गुड्स बनाना है, ठीक है. और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनका उनका गोल क्या हो गया कि हमको फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होने चाहिए हमारे ट्रू एंड फेयर होने चाहिए. अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव थ्री ईज. एफिशिएंसी आ जाती है. एफिशिएंसी मतलब काम को सही ढंग से करना, टाइम पे करना और विद मिनिमम रिसोर्सेज. इफेक्टिवनेस मतलब होता है हर किसी काम को समय पे करना. इट्स रिलेटेड टू टाइम एंड एफिशिएंसी रिलेट्स टू टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज. टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों की बात करता है, ठीक है. और तीसरा इकोनॉमी. जब आपका डेटा जो है वो रिडंडेंट नहीं होगा, हर जगह पे फ्रैगमेंट्स में नहीं फैला होगा, या आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, आपका जो ऑर्डर होगा कस्टमर का वो डिले नहीं होगा. मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, अब सेल्स वाले को पता ही नहीं है कि ऑर्डर जो है वो इन्वेंट्री में है या नहीं है, फिर वो इन्वेंट्री को स्टोर्स डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करता है और फिर स्टोर्स वाला कहता है ये तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ. फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कहता है कि मेरे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है. फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट वाला जो है वो रॉ मटेरियल खरीदता है. दिस इज़ हाउ योर ऑर्डर गेट्स डिलेड एंड इट कॉस्ट्स यू, इट कॉस्ट्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेशन करते हैं. आजकल मोस्ट ऑफ दी कंपनीज हैव ऑटोमेटेड देयर बिजनेस प्रोसेसेस. बड़ी कंपनीज की बात कर रही हूँ. तो हम कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस देखेंगे जल्दी जल्दी. सबसे पहला हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेस, जिसके बिना कंपनी नहीं चल सकती. जैसे कि आपके प्रोडक्शन, सेल्स, इसके बिना कंपनी चल सकती है? नहीं चल सकती है. ये सब आपके हो गए कोर बिजनेस प्रोसेसेस. वैल्यू चेन्स, वैल्यू जिससे डिराइव हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू, या तो रॉ मटेरियल आ रहा है या पैसा आ रहा है. एक तो रॉ मटेरियल आने की साइकिल को हम क्या कहते हैं? परचेज टू पे, परचेज करने से लेके वेंडर को पे करने तक की साइकिल. और एक जनरेटिंग रेवेन्यू वाली साइकिल को क्या कहते हैं? ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर करने से लेके कैश रिसीव करने तक की साइकिल. ये सब हमारी कोर बिजनेस साइकिल्स हैं. इनके बिना बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता. दूसरा हो गया सपोर्टिंग प्रोसेसेस. अब देखिए, आप डेरी मिल्क चॉकलेट खाते हो, आपको क्या मतलब कि कैडबरी अपने अकाउंट्स कैसे बना रहा है, बना भी रहा है या नहीं? डज द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कैडबरी सर्व्स यू डायरेक्टली? नो इट डजंट. दे ऑल बैक द कोर बिजनेस प्रोसेसेस. जो कोर बिजनेस प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका उनको बैक करते हैं, उनको मदद करते हैं. जैसे कि वर्क प्लेस सेफ्टी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, दे दिस डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स डायरेक्टली. ऑलराइट, थर्ड हो गया आपका मैनेजमेंट प्रोसेस. जो मैनेजमेंट होता है वो ही इन दोनों प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है. दे मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स. इंटरनल कम्युनिकेशंस किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह का हायरार्की आपने बना रखा है, किस तरह का स्केलर चेन बना रखा है कम्युनिकेशन का, किस तरह से आप गवर्न कर रहे हो इंटरप्राइज को, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी है, फेयरनेस है इन पेमेंट टू वर्कर्स. इस तरह के मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं. प्लानिंग किस तरह की है, बजट बना रखे हैं या नहीं है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आप लोग सीख जाओगे, ठीक है. बजटिंग एग्जाम्पल, बजटिंग प्रोसेस देखिए. पहले हमने विजन देखा कुछ, फिर हमने स्ट्रेटेजी बनाई उसकी, फिर हमने गोल्स सेट किए, रेवेन्यू देखा कितना आ सकता है, प्रोजेक्शन किया, और फिर कॉस्ट कितनी लग सकती है, देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो सकता है, फिर हमने बोर्ड का अप्रूवल लिया और फिर बजट रिव्यू किया. ये सब हमारे होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस. ऑलराइट, तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशनल प्राइमरी, सपोर्टिंग सेकेंडरी एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस. अब हम देखेंगे ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और BPA टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन होता है एक्टिविटीज़ का. अरे, हम ऑटोमेशन से टेक्नोलॉजी को ही जोड़ते हैं, ये लिखने की ज़रूरत है, ये कहने वाली बात नहीं है. एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मेनी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग सेल्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस. बल्कि हर एक फंक्शन को आप ऑटोमेट कर सकते हो. आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन हो रहा है ना, आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो. एक पंचिंग मशीन लगा के सारे एम्प्लॉयज़ को कार्ड पंचिंग करने के लिए कार्ड इशू कर दीजिए और वो अपने अटेंडेंस को पंच करेंगे मशीन में. हर एक चीज़ का ऑटोमेशन हो सकता है. अब बताइए, ऑटोमेशन तो हम करने वाले हैं, बाद में हम सीखेंगे कैसे करना है. अब अभी हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं सक्सेस को. अरे, हमने BPA लगा तो दिया, हमने ऑटोमेशन कर तो दिया, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि वो सक्सेसफुल है, ठीक है? तो ये चारों चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए उसको.
बीपीए शुड एंश्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, डेटा की सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, जो ऑथोराइज पर्सन है वही डेटा को एक्सेस कर सके, वही डेटा को एडिट कर सके, वही डेटा को टच कर सके, चेंज कर सके, ठीक है। और इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए कि किसी अनऑथोराइज व्यक्ति ने कोई अमेंडमेंट नहीं कर रखे हैं बीच में, मतलब आपका डेटा जा रहा था और बीच में हमने हैकिंग कर ली और उसको डिक्रिप्ट करके और उसमें चेंजेस कर दिए और आपको गलत इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई जो रिसिपियंट है उसको, तो उसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी ना मेंटेन होना, है ना। वैसे ही अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और टाइम पर होनी चाहिए, जब हमें ज़रूरत हो और जिस समय पर ज़रूरत हो तब हमें डेटा अगर मिल रहा है तो हमारा बीपीए जो है वो सक्सेसफुल है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, CIAT, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस, ये सात चारों चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी टू चेक वेदर अ बीपीए इज सक्सेसफुल और नॉट। ऑलराइट, अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हमने बीपीए लगा तो दिया लेकिन उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, पहला तो क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी डेटा मिलेगा। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, आपने कंसिस्टेंसी पढ़ा होगा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में, कि जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया तो हमको उसको हर साल कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से कंसिस्टेंसी होती है बिजनेस प्रोसेसेस में, कैसे कि एक ट्रांजैक्शन जिस तरह से हो रहा है उसी तरह के सिमिलर ट्रांजैक्शंस उसी तरह से ट्रीट किए जाएंगे हर बार, चाहे वो एक ट्रांजैक्शन हो या एक करोड़ ट्रांजैक्शंस हो। तो हम क्या करते हैं, किसी बड़ी फर्म में जाते हैं, हम कहते हैं मान लीजिए हम अमेज़ॉन का ऑडिट करने गए, हमने कहा आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कह रहे हैं हमारे तो लगभग 1-2 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं एक दिन में, लेकिन हाँ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर 1000, ठीक है। आपने 1000 ट्रांजैक्शंस का एक सैम्पल डेटा बनाया और उस सैम्पल डेटा को एक डमी सिस्टम में फीड कर दिया और आपने कुछ रिजल्ट्स जो हैं पहले से कैलकुलेट कर लिए कि ये रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर उस सिस्टम ने वही रिजल्ट्स दिए जो आपने एक्सपेक्ट किए हुए थे, इट मीन्स द सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन, और जो 1000 तरीके की एंट्रीज हैं वो 1000 बार हुई हों या 1000 करोड़ बार हुई हों, वैसे ही कंसिस्टेंटली हुई होंगी। दैट्स हाउ यू डू ऑडिट ऑफ अ बिग फर्म वेयर इन देयर आर क्रोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंगल डे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड ऑल द बिग आईटी कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, और क्वालिटी मेंटेन होती है, क्वालिटी डेटा बनता है, ह्यूमन एरर जो होती है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। चलिए, सेकेंड आपका टाइम सेविंग, रियल टाइम एक्सेस कर सकते हो डेटा को कहीं से भी, ऑटोमेशन है, सिंगल सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी बनती है ना, सिंगल सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी, उससे कहीं पे भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, तो आपको टाइम आपकी टाइम सेविंग हो जाती है और रिड्यूस द स्टाफ एंड इट फ्रीज अप टाइम फॉर एक्टिविटीज़ दैट जेन्युइनली एड वैल्यू टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जो आपके मैनेजर्स हैं वो अगर डेटा फीडिंग में या एंट्री करने में या चेकिंग करने में ही आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर वो बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स, एक्विजिशंस, इन सब के बारे में सोचने का उनको पास टाइम नहीं मिल पाता है। विजिबिलिटी, हमको स्टेटस दिख जाता है किसी भी प्रोसेस का, जब आपके प्रोसेसेस, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा, आपको WIP की कॉस्ट पता चलती रहेगी कि मेरा जो वर्क इन प्रोग्रेस, हमारा रॉ मटेरियल इस स्टेज पे पहुंचा तब उस कितनी लागत आ चुकी है, इस स्टेज पे पहुंचा तब कितनी लागत आ चुकी है, कितने बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कितने जॉइंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सबकी कॉस्ट आपको कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। वाओ, दिस सीम्स सो फैसिनेटिंग, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो जाती है, रिसोर्सेज कम लगते हैं और टाइम पे काम होता है, रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट, एफर्ट, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सब काम जल्दी जल्दी होने लगता है। किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, सेल्स वाले को इमीडिएटली पता चल गया कि इन्वेंट्री में है या नहीं है फिनिश्ड गुड्स, और अगर नहीं है तो वेयर हाउस वाले को इंटीमेट हो गया या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंटीमेट हो गया कि इसको बनाना है और उन्होंने उस पर वर्क करना चालू कर दिया। अगर उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल का इंटीमेशन अपने आप परचेज डिपार्टमेंट के पास चला गया और परचेज ऑर्डर क्रिएट करके परचेज वाले ने रॉ मटेरियल जो है उसको ऑर्डर कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब ऑटोमेशन होता है तो हमको बार बार फ़ोन करके नहीं बोलना पड़ता भाई ये चीज़ नहीं है या यार ये चीज़ ऑर्डर कर दे, ये चीज़ तो नहीं है हमारी कंपनी में, ये सब चीज़ों की टाइम कॉस्ट ये सब सेव हो जाता है हमारा। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, रिलायबल डेटा हो जाता है कैसे, अगर आपने सॉफ्टवेयर में कुछ रूल्स लगा रखे हैं तो वो हर बार वैसे ही ट्रांजैक्शंस करेगा, फ्रॉड की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। गवर्नेंस आप कर सकते हो अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब होता है कि आपको कोई काम दिया गया तो आपने कितने दिन में, कितने टाइम में उसको करके कंप्लीट करके फीडबैक उसको वापस किया,
दिस इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम. तो ये सब जो टाइम होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है बिकॉज वी आर गिविंग द वर्क टू अ सिस्टम विच डज प्रोसेसिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस. सेकेंड्स में काम आपका हो जाता है और आपको तुरंत ही रिजल्ट्स रिपोर्ट्स जो होती हैं मिल जाती हैं. अब हम देखते हैं प्रोसेसेस टू इम्प्लीमेंट अ बीपीए. जब हमको बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे डिफाइन वाई. क्यों 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 करना है हमको इसको ऑटोमेट. या तो हमारी एरर्स हो रही थी मैनुअल प्रोसेसेस करने में, पेमेंट्स कोई स्ट्रीमलाइन थी नहीं, कभी जीएसटी की पेनल्टी लग जाती थी, कभी सर्विस टैक्स पहले होता था तब पेनल्टी लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी इनकम टैक्स की पेनल्टी लग जाती थी, कभी एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट निकल जाती थी, कभी टीडीएस पे करने की ड्यू डेट निकल जाती थी. मैं आप सीएस बनने वाले हो इसीलिए सीए रिलेटेड एग्जांपल्स दे रही हूँ. अदरवाइज वेंडर्स को पे करने में, कस्टमर से पेमेंट लेने में, हर चीज़ में डिले हो जाता था. ये सब हमारे मैनुअल सिस्टम में हो रहा था, डुप्लीकेसी हो रही थी, पेमेंट्स लेट हो रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑटोमेशन कर लेते हैं. कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, जैसे कि क्रेडिट की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, हमने जो क्रेडिट दिया हुआ है कस्टमर्स को उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, डेटर्स जो है उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि किससे कितने पैसे लेने हैं, कब लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो रहे हैं, फ्लड हो सकता है, फायर हो सकता है, उसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट्स का बैकअप नहीं रख पा रहे हैं, स्टाफिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, कहीं ओवर मैनिंग है, कहीं पे शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है, मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल तक क्या हो रहा है. ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन करना चाहेंगे अपने बिजनेस प्रोसेसेस का. कुछ फिर हम सेकंड स्टेप क्या देखेंगे ऑटोमेशन में, कि रूल्स और रेगुलेशंस हम लोग को किस तरह के फॉलो करने हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसी तरह तरीके से बनेंगे. तो उसका जो अकाउंटिंग मॉड्यूल होगा, मॉड्यूलर सिस्टम होता है जब व्हेन यू इम्प्लीमेंट एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोला थोड़ा टेक्निकल वर्ड है वो हम लोग सेकंड चैप्टर में इसको समझ जाएंगे, ठीक है. तो जो भी आप सॉफ्टवेयर लगाते हो उसमें मॉड्यूल्स होता है, तो उसमें जैसे टैली होता है ना अकाउंटिंग करता है, वैसे ही जो उसका अकाउंटिंग मॉड्यूल है उसमें हमको बैलेंस शीट का फॉर्मैट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मैट या तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रखना पड़ेगा, या तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से रखना पड़ेगा, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट IRDA जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से रखना पड़ेगा. तो ये सब हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है, इंटरनल कंपनी की पॉलिसीज, एक्सटर्नल इंडस्ट्री की जो रेगुलेशंस हैं और जो लॉज है. थर्ड फिर हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस फॉर्मेट में, कहाँ कहाँ से लाने वाले हैं, और लोग कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं प्रॉपर. ये डॉक्यूमेंट यहाँ से आएगा, ये डॉक्यूमेंट यहाँ से आएगा, ये डॉक्यूमेंट के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उसका हम लोग पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं, सो दैट वी नो दैट आफ्टर ऑटोमेशन हाउ is the output gonna look like. All right. Next, इस exercise जब हम करते हैं, जब हम document देखते हैं कि कौन कौन से documents require हैं, क्या क्या उनके source हो हैं, उनके क्या क्या formats में हम उनको जो है system पे feed करने वाले हैं, जैसे tax invoice. अगर हमको किसी को tax invoice issue करना है तो उसमें GST number का column होना चाहिए और state का column होना चाहिए, ठीक है. तो और IGST लगना है या फिर CGST या SGST लगना है, तो ये सब हमको इंश्योर करना पड़ता है वाइल कॉन्फिगरिंग द सॉफ्टवेयर. जब हम सॉफ्टवेयर में कॉन्फिगरेशन डालते हैं, मास्टर्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मास्टर्स जो होते हैं जब उनको हम कॉन्फिगर करते हैं, देखते हैं कि उनका फॉर्मेट कैसा होने वाला है, तो इससे हमको क्लैरिटी पता चल जाती है प्रोसेसेस की. हम डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि हमको पता चल जाता है कौन सा प्रोसेस कहाँ से इनिशिएट होता है, कहाँ जाकर खत्म होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसीज, बॉटलनेक्स हमको पता चल जाते हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा निगरानी करने की आवश्यकता है, और इनएफिशिएंसीज हमको पता चल जाती हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने सेग्रीगेशन ऑफ वर्कर्स नहीं कर रखा है. मान लीजिए स्टोर्स मैनेजर को ही हमने परचेज की भी अथॉरिटी दे रखी है, तो स्टोर से सामान गायब हो जाएगा और वो परचेज भी कर लेगा और कह देगा कि सामान खत्म हो गया है, तो इसके लिए हमको अलग अलग लोगों को हायर करने की ज़रूरत होती. फिर हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्थ स्टेप में कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, कि आप जो है वो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आप प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं मैनुअल वर्किंग में, फिर आपने देख लिया हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको जॉट डाउन कर लिया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे हमको सॉफ्टवेयर में, ये कन्फिगर करने हैं. लेकिन फिर आप उद्देश्य निर्धारित करते हो, यू सेट दी ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच यू आर डूइंग दी ऑटोमेशन ऑफ दी प्रोसेसेस इन योर बिजनेस. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स होने चाहिए, अटेनेबल जिनको हम एफर्ट करके अटेन कर सकें, और रेलेवेंट भी होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किए और उसमें आपने टाइम
निर्धारित नहीं किया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इंगेज करोगे कंसल्टेंट को। जनरली मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग पहले ROI कैलकुलेट करते हैं, बाद में इंगेज करते हैं कंसल्टेंट को, बट सिंस आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पहले इंगेज करेंगे कंसल्टेंट को, तो ठीक है हम पहले कंसल्टेंट को इंगेज करेंगे, उससे एडवाइस लेंगे कि देखिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमको बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है, अब क्या किया जाए। उसके बाद आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करोगे कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में, क्या उतना फ़ायदा हमको होगा, ये आप देखोगे। फिर आप करोगे डेवलपिंग द BPA, जो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है उसको आप नहीं डेवलप करोगे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी टीम होती है जो आपको बताती है कि इसको कैसे चलाना है सॉफ्टवेयर को। अब आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया है, अब आप उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करोगे। एक्सेप्शन प्रोसेसिंग आपको कहाँ कहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटी है कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस रिसीव कर सकता है या भेज सकता है, और कुछ कस्टमर्स आपके डिमांड कर रहे हैं कि आपको मैनुअल इन्वॉइसेस भी देने हैं, तो उसमें प्रिंट का ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा जिससे कि आप मैनुअल इन्वॉइसेस प्रिंट कर सको। या आपके पास अगर मैनुअल इन्वॉइसेस आ रहे हैं आपके वेंडर से, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो आपके पास ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि आप वो स्कैन करके अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सको। तो ये सब एक्सेप्शन प्रोसेसिंग जो है वो आपको कंसिडर करनी। इसमें एक एग्जाम्पल है कि परचेज ऑर्डर जनरेशन को हम कैसे ऑटोमेट करेंगे। परचेज ऑर्डर का क्या मतलब होता है, हमको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हम इसको क्यों ऑटोमेट करना चाहते हैं। परचेज ऑर्डर जो है हमारा रॉ मटेरियल खरीदने का प्रोसेस है, प्रोक्योर करने से लेके पे करने तक, हम उसको क्यों ऑटोमेट करना चाहते हैं। हम इसलिए ऑटोमेट करना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है टाइम पर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में डिलेज हो जाते हैं। फिर हम रेगुलेशंस को ध्यान में रखेंगे, एज सच कोई रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल्स, ये सब जो है वो सेट करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर में। और फिर डॉक्यूमेंटेशन हम क्या देखेंगे कि ऑर्डर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, फ्रॉम स्टोर्स, परचेज डिपार्टमेंट के पास स्टोर से परचेज रिक्विजिशन आए, और फिर जो गुड्स रिसीट नोट है वो भी आपका आ जाए सॉफ्टवेयर में, और आप उसको मैच कर सको जो आपको इनवॉइस वेंडर से मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो है फंक्शनैलिटीज़ देखोगे आप सॉफ्टवेयर्स। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होने चाहिए बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेशन करने के, कि कोई प्रोडक्शन लॉस ना हो, टाइमली डिलीवरी हो जाए। फिर आप इंगेज करोगे एक कंसल्टेंट को, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर डेवलप होगा सॉफ्टवेयर, और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होगी। अब हम देखेंगे कि जब आपने ऑटोमेशन तो कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उनको मैनेज कैसे करेंगे। तो रिस्क की डेफिनेशन हमने देखी थी, रिस्क इज़ एन इवेंट, कोई इवेंट है जो कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन ला सकता है फ्रॉम द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। आपने कुछ सोच के रखा हुआ है कि ये होगा, ये हो जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा और मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, लेकिन रिस्क क्या है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरे जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स है ना उसमें से सिग्निफिकेंट डेविएशन हो जाएगा, तो ये बात रिस्क होती है। ठीक है, इट इज़ विच रिजल्ट्स इन अन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस बात की रिस्क है कि कहीं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप्स, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो जो आपके वेंडर्स हैं उनसे आपको रिस्क हो सकता है। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, नोटबंदी हो गई वो रिस्क हो गया, जो रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में वो आपके लिए रिस्क हो गया बिजनेस के लिए। कुछ ह्यूमन बिहेवियर, आपने किसी इम्प्लॉई को थ्रेटन कर दिया एक डिसिप्लिन से रहिए, तो वो जो होता है ऑफेंड हो जाता है इम्प्लॉई, तो वो जो है आपको आपके नुकसान कर सकता है सिस्टम को, सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को। नेचुरल इवेंट्स हैं, डिजास्टर्स हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, सरकारें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो इट्स रैपिडली चेंजिंग, टेक्निकल इशूज़ हो गए, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हो गए। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स जो हैं उनका मेन सर्वर है वो कहीं पर किसी सिटी में रखा हुआ है जहाँ पर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पूरे देश में जो है उनका सर्वर डाउन हो रहा है। HDFC बैंक के साथ ऐसा एक बार हो चुका है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोल्स, मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड कंट्रोल रिस्क कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि मैनेजमेंट जो है डज दी एस्टिमेशंस, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेट्स होते हैं, प्रोविजन्स होते हैं, दैट आर इन्फॉर्म टू यू बाई द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जजमेंट से बनते हैं। अगर उन्होंने जजमेंट्स गलत किए, एस्टिमेट्स गलत किए, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। तो तीन तरह के रिस्क हैं जो आपके बुक में बताई गई हैं आपको, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क एंड डेटा रिलेटेड रिस्क। अभी जो थर्ड टाइप है डेटा रिलेटेड, ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे।
तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बिजनेस रिस्क से। अब बिजनेस रिस्क का मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, फॉरेस्ट हैरिस। आपको ये जो फॉरेस्ट है ना बिजनेस रिस्क का, जंगल, वो आपको हैरिस करेगा, ऐसे हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न किया था, जिसमें एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल रिस्क, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग रिस्क, आर ई का मतलब होता है रेगुलेटरी रिस्क, एस टी का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, एच ए का मतलब होता है हैजर्ड रिस्क, और आर ई एस मतलब रेसिडुअरी रिस्क, रेसिडुअल रिस्क। ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब होता है कि आपके इस तरह की रिस्क जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे लिक्विडिटी, आप रियल एस्टेट बिजनेस हो और अचानक से रियल एस्टेट का मार्केट में क्रंच हो गया, कोई नहीं ले रहा है रियल एस्टेट, कोई बिल्डिंग्स नहीं खरीद रहा है, तो आपके पास एसेट्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन कैश नहीं होगा, कैश इन हैंड नहीं होगा क्योंकि आपकी सेल नहीं हो रही है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, वोलाटिलिटी इन फॉरेन करेंसीज़ में जब वोलाटिलिटी मतलब चेंज होता है, तो अगर फॉरेन करेंसीज़ में चेंज होता है ना, तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क क्या क्या हो सकती हैं, मान लीजिए किसी वर्कर है, उसकी हेल्थ पे कुछ डिटीरियोरेशन हो गया वाइल बीइंग इन द फैक्ट्री प्रमाइसेस, किसी वर्कर के साथ कुछ हादसा हो गया वाइल बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री प्रमाइसेस, तो इस तरह के हेल्थ सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हो जा रहे हैं, तो वो आपके लिए ऑपरेशनल रिस्क होती हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क होती हैं, जब आप ऑपरेट कर रहे हो और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या फिर आपने सॉफ्टवेयर लगा के रखा हुआ है, ERP सिस्टम जो है वो लगा के रखा हुआ है, जिसमें सर्विस टैक्स की फंक्शनैलिटी है और वैट की फंक्शनैलिटी है, और अचानक से GST आ गया, तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेगा, IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी ऑपरेशनल रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क क्या होती है, चेंजेस इन लॉज, जैसे आपको फाइंस पेनल्टीज लग सकते हैं, ये सब आपके लिए रिस्क होती हैं। कुछ लेट हो गया, TDS लेट जमा हुआ, या फिर एडवांस टैक्स लेट आपने फाइल किया, या आपको रिटर्न्स के बारे में नहीं पता, नया नया GST आया था तो रिटर्न्स के लिए लोगों को बहुत पेनल्टीज़ जो है फेस करनी पड़ गई थी, तो वो सब आपके लिए रिस्क होती हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या, आपने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई कोई कि चलो ठीक है हम इस तरह का प्रोडक्ट नहीं, इस तरह का प्रोडक्ट कस्टमाइज करेंगे, या हमने सोचा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को अमलगमेट करते हैं या उसको खरीदते हैं, तो ये इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं वो अगर गलत ले लिए गए तो आपके वो स्ट्रेटेजिक रिस्क में आते हैं, जो आपको लॉस कर सकते हैं आपके ब्रांड का, रेप्यूटेशन का। हैजर्ड रिस्क क्या क्या होता है, टेररिस्ट अटैक्स, डिजास्टर्स। और रेसिडुअल रिस्क वो रिस्क होती है कि कितना भी काउंटर मेजर क्यों ना लगा लो, हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क जो होती है वो रह जाती है, रेसिडुअल होती है, तो वो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसको बस एक एक्सेप्टेबल, एक टॉलरेबल लेवल पे हमको लाकर फिक्स करना होता है, और टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि वो रिस्क हमेशा एक्सेप्टेबल लेवल पे बनी रहे। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी रिस्क कैसी कैसी हो सकती हैं। भाई फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई, फिर आप उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, विंडोज़ 8 आया, 7 आया, 8 आया, 10 आया, तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी मांगते हैं, कभी कभी वो भी मांगते हैं कि इस वाले सॉफ्टवेयर में, इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल होंगे, इस वाले में नहीं होंगे। कुछ कुछ जो आपके ERP सिस्टम्स हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स जो है ना, वो लिनक्स मांगते हैं, यूनिक्स मांगते हैं, OS विंडोज़ पे होते ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपके टेक्नोलॉजी चेंजेस हो सकते हैं, ये सब आपके टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकते हैं। और मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, अलग अलग फंक्शनैलिटी आपको सिस्टम में डालनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ जाती हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, फायरवॉल लगानी पड़ती है टू सेव देम फ्रॉम वायरसेस, वॉर्म्स, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स आपको अडाप्ट करने पड़ते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट आपने लगा रखा है एंट्री के लिए कहीं पर, और मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपना फिंगर जो है वो लगाया और दरवाज़ा खुल गया और उसके साथ साथ दो लोग अंदर आ गए, तो वहाँ पे आपको गार्ड भी बैठाना पड़ेगा टू चेक, है ना, तो ये सब चीज़ें अलग अलग कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ते हैं। फिर इसी तरह के बहुत सारे रिस्क हैं जो आप लोग, इस PDF को मैं अपलोड कर दे रही हूँ, आप इससे जो है डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। आगे मैं बढ़ती हूँ, अब हम रिस्क को देखेंगे मैनेज कैसे करा जाता है। रिस्क तो हम समझ में आ गए, तीन तीन तरह की रिस्क होती हैं, फॉरेस्ट हैजर्ड भी देख लिया हम लोगों ने, और अब हम देखेंगे उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो रिस्क का मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, पहले रिस्क को एसेस करना,
कितनी रिस्क है, क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका हम असेसमेंट करते हैं, कितना हमारा टॉलरेंस लेवल है, कितनी रिस्क जो है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहेगी तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब चीज़ें हम असेसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप्स लेते हैं कि उस रिस्क को हम एक्सेप्टेबल लेवल पे ला के रिड्यूस कर सकें और मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड मिनिमाइज अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स को मिनिमाइज करना, आइडेंटिफाई करना और मेजर करना। ऑलराइट, एंड अब हम देखेंगे कुछ रिलेटेड टर्म्स जो है उससे। एसेट, एसेट में हम लोगों ने क्या समझा था, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाली जो डेफिनेशन है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो मत देखना आप। यहाँ पर एसेट जो है तो होता है वो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, हर चीज़ होती है, ठीक है। समथिंग ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो आर योर एसेट्स। वैल्यूएबल होते हैं, इजिली रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल आपका हो गया, नो हाउ, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका दवाइयों का फॉर्मूला, ये सब आपके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरियाँ, आप जो हमारा सिस्टम होता है ना उसमें कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से जो थ्रेट्स होते हैं वो और ज़्यादा हावी हो जाते हैं, जो अटैक्स होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं कमियों की वजह से, लूप होल्स इन द सिस्टम। ऑलराइट, तो वल्नरेबिलिटीज का मतलब हम देखेंगे क्या होता है, दीज आर वीकनेसेस इन द सिस्टम सेफगार्ड्स दैट एक्सपोज करता है किसी सिस्टम को टू थ्रेट्स। एक्सपोजर का मतलब ये भी हम देखेंगे आगे। वल्नरेबिलिटीज कैन अलाउ एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन किसी और यूजर पे, कमांड आप एग्जीक्यूट करने लगे, फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर के पास फेक परचेज ऑर्डर आने लग गए, है ना, परचेज रिक्विजिशन आने लग गए सॉरी, और अनऑथोराइज एक्सेस हो रहा है, पोज एज अनदर एंटिटी, अलग अलग ईमेल फिशिंग का नाम आप लोग जानते होंगे, उसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप को किसी और की तरह डिस्गाइज करता है, मास्करेड कहते हैं उसको, मास्करेड करता है अपने आप को किसी की तरह, तो आपको लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हो जबकि कोई और व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हो, तो इस तरह के वल्नरेबिलिटीज जो है वो आ जाते हैं। कंडक्ट अ डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, DOS मतलब इंस्टीट्यूट की साइट होती है, आप रिजल्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हो ना उसको, तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है, तो वही होता है डिनायल ऑफ सर्विस। अब हम देखेंगे थ्रेट्स, व्हाट आर थ्रेट्स, कोई भी एंटिटी हमारे लिए थ्रेट हो सकती है, जैसे कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर, कोई भी सर्कमस्टांस या कोई भी इवेंट दैट इज विद द पोटेंशियल टू हार्म द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को हानि पहुंचा सके उसको हम कहेंगे थ्रेट। वैसे ही एक्सपोजर क्या होता है, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ लॉस, किस हद तक हमें लॉस हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है यदि इफ द रिस्क मटेरियलाइजेज, अगर रिस्क जो है ना वो मटेरियलाइज हो गई ना तो किस हद तक लॉस हो सकता है उसको हम कहते हैं एक्सपोजर। जो रिश्तेदार होते हैं ना आपके, कहते हैं जाओ जाओ बाहर जाओ, बड़ी जगह पर जाकर पढ़ाई करो, आपको एक्सपोजर मिलेगा, वही 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 एक्सपोजर है, नहीं हंसना नहीं। लाइकलीहुड का क्या मतलब होता है, लाइकलीहुड मीन्स प्रोबेबिलिटी, वॉट इज लाइकली टू हैपन, वॉट इज नॉट लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली टू हैपन, लेस लाइकली टू हैपन, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग एन अनडिजायरेबल इवेंट, कोई थ्रेट है वो सक्सीड कर जाएगा, उसको सक्सेस मिल जाएगी कि कोई अनडिजायरेबल इवेंट, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस करने में वो सक्षम हो जाए। अटैक, व्हाट इज एन अटैक, अटैक क्या होता है, इट इज एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट को भी मानते हैं हम अटैक को, जरूरी नहीं है कि आपने नुकसान कर ही दिया, इट इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू दी सिस्टम्स सर्विसेज। एक्सटर्नल मलिशियस इंटेंशनल फ्रॉड, इंटेंशनल होता है, इंटेंशनल फ्रॉड होता है, विच कैन एक्सप्लॉइट आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट दी वल्नरेबिलिटी। काउंटर मेजर क्या होता है, आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज, और यहाँ पर बैठा हुआ थ्रेट एजेंट जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहा है, तो आप जो है अपने सिस्टम को उससे कैसे बचाओगे, काउंटर मेजर लगा के, ठीक है, दीज आर काउंटर मेजर्स। जैसे कि ये मान लीजिए वायरस है और ये आपका सिस्टम है, तो काउंटर मेजर क्या हो गया, एंटीवायरस। वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हो। अब हम देखेंगे कि रिस्क को मैनेज करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, तो हम लोगों ने इसको कैसे याद किया था, टॉलरेट टर्मिनेट ट्रांसफर ट्रीट और टर्न बैक, फिर से साथ में बोलो, टॉलरेट टर्मिनेट ट्रांसफर ट्रीट या टर्न बैक। टॉलरेट करने का क्या मतलब होता है,
कि रिस्क को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ, अगर रिस्क का लेवल हमारे एक्सेप्टेबल लेवल जितना है, क्योंकि हम सारे रिस्क को तो एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ रेसिडुअल रिस्क तो जो होती है वो रह जाती है। हमने बिजनेस रिस्क में भी पढ़ा था कि कुछ रेसिडुअल रिस्क होती है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो कॉन्शियसली डेलिबरेटली, ठीक है। उसको कहते हैं एलिमिनेट करने का, सॉरी टर्मिनेट और एलिमिनेट करने का क्या मतलब है कि आपने उस रिस्क को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया बाय रिप्लेसिंग दी टेक्नोलॉजी विद मोर रोबस्ट प्रोडक्ट्स। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ आपने उसको एलिमिनेट, जो टर्मिनेट जो है वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। कोई ऐसा वायरस था जो आपका पुराना एंटीवायरस जिसको रोक नहीं पा रहा था, उसको नए अपडेटेड एंटीवायरस ने रोक दिया, उसको कहते हैं टर्मिनेट करना। तीसरा ट्रांसफ़र करना मतलब कोई आपका रिस्क रिलेटेड, रिस्क प्रोन एरिया है, कोई बिजनेस ऑपरेशन है जो रिस्क प्रोन है, तो आपने उसको उस फील्ड में एक्सपर्ट किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने उसको आउटसोर्स कर दिया, तो वो हो गया ट्रांसफ़र करना। शेयर कैसे हो जाता है? बाय इंश्योरेंस, ठीक है। ट्रीट या मिटिगेट, रिस्क को ट्रीट या मिटिगेट कैसे करेंगे? उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसका इफेक्ट हम कुछ कंट्रोल्स जो है वो डिवाइस करेंगे, कुछ कंट्रोल्स लगाएंगे उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उस रिस्क को। टर्न बैक मतलब जहाँ पर रिस्क का इम्पैक्ट बहुत लो होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट जो करता है वो इग्नोर करता है, तो टर्न बैक मतलब इग्नोर करना। ये सब हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हो गई। अब हम देखते हैं कंट्रोल्स क्या होते हैं और कंट्रोल्स क्यों लगाना। यहाँ पर हम लोगों ने बात करी ना ट्रीट या मिटिगेट करने के लिए कि हम कुछ कंट्रोल्स हैं, सूटेबल कंट्रोल्स जो हैं उनको लगाते हैं। तो कंट्रोल्स होते क्या हैं? कंट्रोल्स होते हैं कुछ पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, आपने ये पॉलिसी बना दी कि कोई व्यक्ति जिस जो पेमेंट वगैरह कर रहा है वो अपने सीट से उठ के अगर जाएगा तो अपना जो सिस्टम है वो हाइबरनेट करके जाएगा। या आपने ऐसी पॉलिसी बना दी कि हर सिस्टम को खोलने के लिए हर सिस्टम पे कुछ ना कुछ पासवर्ड लगा होगा, और पासवर्ड जो होता है स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नाम डाल दिया और 123 डाल दिया, नहीं। आप ये सब कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स लगा दिए। जैसे बिग बाज़ार में या किसी आप बड़े जगह पर जाते हो ना, तो आपको पहले बॉडी स्कैनिंग होती है, आपकी बॉडी चेकिंग, आपका चेकअप, सॉरी, किसी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपका बॉडी स्कैनिंग करते हैं ना वो लोग, या फिर किसी एयरपोर्ट पे जो आपका जो लगेज होता है वो आप कन्वेयर बेल्ट पे रखते हो, तो फिर उसको जो पुलिस वाले हैं वो चेक करते हैं, जूते भी उतरवाते हैं आपके। तो ऐसे तो ये सब होते हैं आपके कुछ प्रोसीजर्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाया। मान लीजिए ये स्टोर मैनेजर है, ये स्टोर मैनेजर है ना, इसको सामान चाहिए, तो ये जो है एक परचेज रिक्विजिशन रेस करेगा एक परचेज मैनेजर को, है ना। तो वो चेक करेगा परचेज रिक्विजिशन को कि भैया जो ये सामान मांग रहा है वो सच में ख़त्म हुआ भी है या नहीं, है ना। तो आपने इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया कि वो कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। तो कंट्रोल्स आर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आर डिफाइंड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। आपने ऑडिट में पढ़ा होगा कि हमको एब्सोल्यूट यानी 100% एश्योरेंस तो मिल ही नहीं सकता किसी चीज़ में, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है दैट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड। ये हमको पता चल जाता है। अब इसको आप रीड कर लेना, ये कंट्रोल्स की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है जो परचेज साइकिल जो है आपकी प्रोक्योरमेंट से लेके पे करने तक की साइकिल, उस पर क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हो। देखिए, परचेज जब आपको करना है तो एक रिक्विजिशन या रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, एक पी आर, है ना, दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं लेकिन पी आर है यहाँ पे। पी आर जो है वो क्रिएट करता है कौन? जो भी यूज़र डिपार्टमेंट है, जिसको भी सामान चाहिए वो यूज़र डिपार्टमेंट एक PR क्रिएट करता है। फिर उसको हम परचेज ऑर्डर को क्रेडिट करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर चला जाता है वेंडर के पास, वेंडर सामान भेजता है। उस जब आप गेट पर रिसीव करते हो ना उस माल को, है ना, तो जो गेट वाला व्यक्ति है वो रिसीट इन्फॉर्मेशन इनपुट करता है, रिसीट की इन्फॉर्मेशन नहीं। यहाँ पे गुड्स रिसीट जब करते हो तो GRN गुड्स रिसीट नोट क्रिएट होता है, GRN, ऑलराइट। और फिर उसके बाद वेंडर जो है वो इनवॉइस भेजता है, इनवॉइस को रिकनसाइल किया जाता है। किससे किससे रिकनसाइल किया जाता है इनवॉइस को? परचेज ऑर्डर से, परचेज रिक्विजिशन से, एक्चुअली परचेज रिक्विजिशन से नहीं करते, परचेज ऑर्डर से करते हैं, गुड्स रिसीव नोट से करते हैं। और जब इनवॉइस उससे मैच हो जाता है तो अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट जो है वो वेंडर को पेमेंट कर देता है। सिंपल, ईजी। या इम्पॉर्टेंस ऑफ IT कंट्रोल्स, हम कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं? रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो IT कंट्रोल्स इनेबल एन एंटरप्राइज़
टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट्स एंड हेल्प इन मिटिगेटिंग रिस्क. रिस्क जो होता है चेंजिंग रिस्क एनवायरनमेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उससे आप अडेप्ट कर पाओगे, है ना. तो इसलिए हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं. आप देखते हैं कंट्रोल्स कितने तरह के हो सकते हैं. एक जनरल कंट्रोल्स होते हैं जिनको कहते हैं ITGCs, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स. मतलब आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पूरे पे आपने कंट्रोल लगा रखा है. हर ऑर्गेनाइजेशन में IT का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपने कंट्रोल लगा रखा है. फॉर एग्जांपल, आपने ना LAN ले रखा है, लोकल एरिया नेटवर्क, और उसमें कुछ चीज़ों को आपने वेबसाइट्स हैं, है ना, उन सबको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ताकि जो इम्प्लॉयज़ है ना ऑल राउंड दी ऑर्गेनाइजेशन, जब अपना लैपटॉप वगैरह चला रहे हों, तब उन वो लोग उस तरह की वेबसाइट्स को एक्सेस ना करें और वायरसेस आने की चांसेस कम हो जाएं, है ना. तो वो हो गया आपका जनरल कंट्रोल. तो हम देखते हैं यहाँ पे वॉट इंक्लूड्स जनरल कंट्रोल्स. जनरल कंट्रोल्स में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कैसे करना है, उस चीज़ की पॉलिसी होती है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिक्योरिटी पॉलिसी. सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, एक्सेस कौन कर सकता है, ऑथेंटिकेट कौन कर सकता है ट्रांजैक्शंस को. कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं एक व्यक्ति क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल पेमेंट एक व्यक्ति ने बनाई, जो उसके ऊपर एक वेरीफायर बैठा हुआ है, वो वेरीफाई करता है उस पेमेंट को. मान लीजिए दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, है ना, ये नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने क्रिएट कर दी पेमेंट, ये थोड़ा सा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन किसी बड़े मैनेजरियल लेवल पे जाता है जो वो अप्रूव करता है, ठीक है ना. तो तीन लेवल्स पे हमारा जो पेमेंट है वो चेक हो जाता है, ताकि ये दोनों मिलकर कोई गलत पेमेंट ना कर सके, ठीक है. तो इस तरह का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक्सेस के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी प्रोसेस को. ऑलराइट, सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन. सेपरेशन के लिए मैं बहुत एग्जांपल्स दे चुकी हूँ. मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो सिस्टम्स हैं वो आपके कैसे एक्वायर हो रहे हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो, और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, और टाइम टू टाइम जो है वो सिस्टम का मेंटेनेंस कौन देख रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं. चेंज मैनेजमेंट का क्या मतलब है, कभी कोई चेंज करना है, बहुत बड़ा चेंज आपको सॉफ्टवेयर में करना है. फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स वैट जो है वो ख़त्म हुआ, तो GST आया, तो आपको सॉफ्टवेयर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़े, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो. उस समय एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी बहुत हमको रिगरसली करनी पड़ती है ना. तो ये सब आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारे आपके कंट्रोल्स में आ जाते हैं, जनरल कंट्रोल्स में. बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी. हमारा जो डेटा सेंटर है, हमने उसका सेम टू सेम रेप्लिका कहीं और भी ऑफ लोकेशन पे बना रखा है, ऑफ साइट पे, मतलब कहीं दूर पे. मान लीजिए हमारा एरिया फ्लड प्रोन है, तो हमारा सर्वर ना डाउन हो जाए, इस वजह से हमने कहीं ऑफ साइट पे, कहीं दूर पे अपने डेटा का रेप्लिकेट सिमिलर डेटा जो है वो किसी और जगह पर भी बना रखा है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस. प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो रहा है और इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से हो रहा है. यहाँ पर हमने एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात देखी थी, था फोर्थ पॉइंट में, यहाँ पर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है. तो ये सब आपके ITGCs हैं. और आपके ITGCs क्या हैं, CIA ऑफ डेटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर. CIA हम जानते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फाइल्स जो है वो मेनटेन्ड है. इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट. कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सेप्शनल इवेंट हो गया, तो वो कैसे आप जो मैनेजमेंट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और बिजनेस कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होगी. ये सब चीज़ें आपके जनरल कंट्रोल्स में आती हैं. मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर. जो आपके क्लाइंट सर्वर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सर्वर सिस्टम्स हैं, उन सबको आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सो दैट द रिस्क रिमेन्स एट एन एक्सेप्टेबल लेवल. ऑलराइट, एंड वैल्यू एडेड एरियाज ऑफ SLA. जो आपका सर्विस लेवल अग्रीमेंट होता है, हम जानते हैं सर्विस लेवल अग्रीमेंट क्या होता है, जिस वेंडर से हम सॉफ्टवेयर लेते हैं उसके साथ हम एक अग्रीमेंट में एंटर होते हैं, जिसमें उस सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस से रिलेटेड, अपग्रेडेशन से रिलेटेड कैसे यूज़ करना है, वो सारी बातें लिखी होती हैं. तो उसमें कुछ वैल्यू एडेड एरियाज होते हैं जो बताता है कि ऐसा नहीं करो या ऐसा करो, डूज एंड डोंट्स. तो वो सब चीज़ें हमारे ITGCs में आती हैं. यूज़र की ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस. ऐसा ना हो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको कंप्यूटर चलानी ना आता हो, ठीक है. तो ये सब आपके जनरल कंट्रोल्स हो गए. एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में लगाए जाते हैं. एप्लीकेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना हुआ है. जैसे कि आपके फ़ोन में फेसबुक का ऐप सिर्फ फेसबुक खोल के देगा, व्हाट्सएप का ऐप सिर्फ व्हाट्सएप खोल के देगा, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या हुए, जो ऐप स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए होते हैं, ठीक है. इंप्लीमेंटेड ऑन एन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एंड प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, ठीक है. दीज कंट्रोल्स एंड एग्जाम्पल्स उसके क्या है, डेटा एडिट्स. जैसे इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल्स होती हैं, उसको जब आप डाउनलोड करोगे ई मॉड्यूल्स को, तो आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो, जो PDFs होते हैं आपके मॉड्यूल्स के, या आप उसका टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते हो.
उन्होंने चेक्स लगा रखे हैं कि कोई जो डेटा है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का उसका रेप्लिका पब्लिश ना कर पाए, है ना, कॉपीराइट इश्यूज, और सेपरेशन ऑफ की बिजनेस फंक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग टोटल्स का क्या मतलब है, जो प्रोसेसिंग आपकी चल रही है उसमें बीच बीच में टोटल्स होते जा रहे हैं ताकि आप चेक करते जा रहे हो कि हाँ जो आपने कैलकुलेशन कर रखा है, मान लीजिए जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है ना, वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि आपकी एंट्रीज में जो आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है और जो बैंक के हिसाब से आपका अकाउंट बना हुआ है उसमें कोई डिफरेंस है तो क्यों है। उसी तरीके से प्रोसेसिंग टोटल्स हैं, प्रोसेसिंग बीच बीच में टोटल्स अगर कोई एप्लीकेशन बताता रहेगा ना तो फिर आप मैच कर सकोगे कि हाँ आपके जो एंट्रीज हो रही है वो सही है। ट्रांजैक्शन लॉगिंग, ट्रांजैक्शन लॉगिंग का क्या मतलब होता है, जो आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एक एटीएम में, वो उन सबका लॉग क्रिएट हो रहा है, कितने बजे क्या ट्रांजैक्शन हुआ और कितने अमाउंट का हुआ, वो लॉग होता है सिक्योरिटी चेक की तरह, ठीक है। कभी फ्यूचर में हमको किसी ट्रांजैक्शन का रेफरेंस लेना हो तो हम उस लॉग में से चेक कर सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, कुछ एक्सेप्शनल आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कंप्यूटर रिपोर्ट करेगा, जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो उसको रिपोर्ट करेगा। और एरर रिपोर्टिंग, कोई एरर हो गई है, नेगेटिव बैलेंस वाला अभी आपका, सॉरी, नेगेटिव बैलेंस जो है वो रिपोर्ट करता है टैली, जब आपके इन्वेंट्री का या आपके कैश का नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तब भी आप उसमें एंट्री करने जाते हो ना, कैश की एंट्री पेमेंट वाउचर में, या फिर आप स्टॉक या फिर आप सेल्स की एंट्री करने लगते हो तो वो आपको इंटीमेट कर देता है कि आपका जो कैश है या इन्वेंट्री है वो इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस एंट्री की वजह से नेगेटिव बैलेंस चली जाएगी, इसका मतलब है आपकी एंट्री जो है वो गलत हो रही है। हमारे आईटी कंट्रोल्स, अब हमने आईटी कंट्रोल्स देख लिए, एक तो जनरल कंट्रोल्स होते हैं आईटीजीसीज और एक होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको ये चेक करना है कि हमारे आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं तो उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, पहला अबिलिटी टू प्लान न्यू वर्क, हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की सोच सकते हैं अगर हमारा एग्जिस्टिंग अच्छा होगा। एग्जिस्टिंग अच्छा होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है ना उससे अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है तो हमको एडवांटेज मिल रहा है उसका। रिसोर्सेज एलोकेशंस आर इम्प्रूव्ड, इसका ये मतलब है कि हम समझ पा रहे हैं कि हमको कहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत है, कहाँ पर किस मटेरियल की ज़रूरत है, मटेरियल की ज़रूरत है भी या नहीं, तो सब कुछ ट्रैकिंग हो रही है सॉफ्टवेयर में, जो सिस्टम है वो इंटीमेट कर रहा है आपको कि हाँ अब मटेरियल ख़त्म हो गया है, अब रीऑर्डर लेवल आ गया है, अब इसको ऑर्डर करो, तो ये सब चीज़ें हमको टाइम टू टाइम पता चलती रहती हैं। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल होती है सही टाइम पे, उसकी CIA जो होती है वो मेंटेन्ड होती है और वो रिलायबल भी होती है। क्लियर कम्युनिकेशन टू द मैनेजमेंट, आप जितना भी प्रोसेस करते जा रहे हो ना सॉफ्टवेयर पे, जितना भी एंट्री करते जा रहे हो उसका छोटा छोटा रिपोर्ट्स और पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, बार डायग्राम्स, ये सब जो हैं वो एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ना वो आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ोगे, ये सब जो है वो रिपोर्ट करता रहता है एग्जीक्यूटिव्स को, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। तो ये हो जाता है, अगर अगर ये अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब है आपका आईटी कंट्रोल अच्छा है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है अगर मैनेजमेंट को। तो अबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटीज, कोई नई वल्नरेबिलिटी आ गई, कोई नए थ्रेट्स आ गए हैं मार्केट में, कोई नए वायरसेस, वॉर्म्स, कुछ भी हो सकता है, IoT चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो आपस में जो ऐप्स हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस वजह से कोई नया रिस्क आ गया है सिस्टम्स में, तो आपका सिस्टम इतना रॉबस्ट है, इतना स्ट्रांग है कि वो उसको फेस कर सकता है, तो वो इफेक्टिव होगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ कस्टमर सपोर्ट सेंटर, अब देखिए कस्टमर्स हैं, बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कंप्लेंट्स जो हैं वो ग्रीवेंसेज अपने लॉज करते रहते हैं सिस्टम पे, अगर सिर्फ वहाँ पे मैनुअल वर्किंग हो रही होगी है ना तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कहाँ तक किसकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व हुई, कितनी कंप्लेंट्स आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, है ना। जब आप अपने आईटी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, सॉफ्टवेयर लगा रखा है, तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो कॉन्शियस हो जाएगा टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। अब हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल एज पर SAs, जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसमें से SA 315 ने डिफाइन कर रखा है कि इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मतलब सबसे पहला कंट्रोल का इन्वायरमेंट देखना है आपको कि कैसे कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही ऑडिटर के लिए है क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो ऑडिटर के शूज़ में अपने आप को रखो, आप सबसे पहले जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देखोगे वहाँ पे कैसा कंट्रोल है, कंट्रोल इन्वायरमेंट, फिर आप देखोगे कि रिस्क कैसे एसेस हुई है,
टॉलरेबल लेवल ऑफ रिस्क कैसे निकाला गया है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, और रिस्क को असेस करने के बाद क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगा रखी हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ लगा रखी हैं, और फिर वो जो हैं वो कम्युनिकेट हो रही हैं या नहीं, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैसा है, और फिर उसके बाद इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसी है, एज एन ऑडिटर आप ये सब चेक करोगे. तो दीज आर दी फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग. ऑलराइट, सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स और प्रोसेसेस सेट कर रखे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है. हमने कंट्रोल की डेफिनेशन में देखा था ना, दीज आर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. तो वो कंट्रोल का एनवायरनमेंट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह के एथिक्स हैं, किस तरह का वैल्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम चेक करते हैं. फिर उसके बाद हम देखते हैं रिस्क असेसमेंट कैसे हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. ये फ्रॉम द शूज़ ऑफ एन ऑडिटर है, बिकॉज दिस इज़ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 315. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑडिटर ओवर हियर, कि जो रिस्क असेसमेंट है वो कैसे किया है मैनेजमेंट ने. फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं जो अडॉप्ट कर रखी हैं. पहले रिस्क को असेस किया, उसको एक टॉलरेबल लेवल जो है वो सेट किया, एक्सेप्टेबल लेवल, और बाद में मॉनिटर करते रहते हैं कि वो हमेशा एक एक्सेप्टेबल लेवल पे बना रहे. तो हमने उसको कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगा रखी होंगी, तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम, टू मिटिगेट द रिस्क, टू प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम बींग अटैक्ड बाय अ थ्रेट एजेंट. ऑलराइट, तो किस तरह के कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगा रखी हैं, प्रिवेंटिव हैं या डिटेक्टिव हैं, ऑटोमेटिक हैं, मैनुअल हैं. एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स आर सेफ गार्डेड, हम ये इंश्योर करेंगे. इंडिपेंडेंट चेक है परफॉर्मेंसेस पे. फिर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैसा है, जो मैनेजमेंट है ना वहाँ तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँच रही है, कोई भी फंक्शनैलिटी ख़राब है या जो आपने कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगा रखी हैं वो कम्युनिकेट कैसे हो रही हैं स्टाफ को और मैनेजमेंट को. ठीक है, कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लेना. और फिर लास्ट में मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम कंट्रोल्स की. फिर देखेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अब कुछ रिस्क थी, हमने पहले BPA जो है ना बिजनेस प्रोसेसेस उनका ऑटोमेशन किया. फिर ऑटोमेशन के बाद हमने देखा किस तरह की रिस्क हो सकती हैं. फिर हमने देखा कि कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं. अब हम देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स तो लग गए लेकिन उसको लगाने के भी कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं. तो मैंने आपको ये कैसे याद करवाए थे कि जो मैकडोनल्ड्स है ना वो चाय बनाने लगे, मैकडी वो चाय बनाने लगेगा तो वो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी. वैसे ही इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन है मैकडी, जिसमें एम का मतलब है मैनिपुलेशंस बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कोई मैनिपुलेशंस कर रहा है, कुछ एस्टिमेट्स गलत दे दिया, कुछ भी कुछ ट्रांजैक्शंस जो गलत बता दिए, तो सिस्टम भी उसको कैसे सही कर पाएगा बताइए. ठीक है, सी मतलब कॉस्ट हो सकता है इंटरनल कंट्रोल लगाने की बहुत ज़्यादा हो, उतना थ्रेट मटेरियलाइज होने की लाइकलीहुड ना हो, प्रोबेबिलिटी ना हो. ऑलराइट, टी मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शंस ऑफ यूजुअल अनयूजुअल नेचर. अब अनयूजुअल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो कभी कभी सिस्टम मिस कर जाता है. ई फॉर इम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको ना अंदर के सारे कंट्रोल्स जो होते हैं ना उसमें लूप होल्स पता होते हैं, तो वो किसी और के साथ कॉलिजन करके, कॉन्स्पायर करके सरकमवेंट कर सकते हैं उन कंट्रोल्स को. सरकमवेंट करना, बाईपास करना मतलब. पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल में अब्यूज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर ए का मतलब अब्यूज है. बार बार CIA वाला ए फॉर अवेलेबिलिटी नहीं आएगा इसमें, आपको ए का मतलब है अब्यूज. ई फॉर इम्प्लॉइज, टी फॉर ट्रांजेक्शन, सी फॉर कॉस्ट, एम फॉर मैनिपुलेशन बाई मैनेजमेंट. एम फॉर मैनेजमेंट भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है. इस तरह से याद रखेंगे इन सारे लिमिटेशंस को. फिर हम देखेंगे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. हमने अभी भी रिस्क मैनेजमेंट तो देखा था, ये ERM क्या चीज़ है देखते हैं. जो आपका USA में SOX बना है ना, क्यों बना था बताया था ना मैंने आपको, जो एनरॉन कंपनी
उसका बहुत बड़ा स्कैम हुआ था यूएसए में. तो यूएसए ने सॉक्स बनाया, सार्बेन्स एंड ऑक्सली एक्ट, ठीक है, सॉक्स एक्ट बनाया ताकि मैंडेटरी किया जा सके इंटरनल कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस में. उस जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई जा सके कि हाँ हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं और वो सही काम कर रहे हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी है इस बात के लिए. चलिए देखिए, ईआरएम में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस प्रोसेस इफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट्स. रिस्क मैनेजमेंट करने का मतलब है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे एंटरप्राइज वाइड रिस्क. एंटरप्राइज वाइड रिस्क जो है उसको मैनेज करने का मतलब है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पोटेंशियल इवेंट्स हैं जो किसी एंटिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ला सकते हैं. फिर मैनेज करेंगे रिस्क को ताकि वो हमारी एपेटाइट के अंदर रहे. एपेटाइट मतलब टॉलरेंस कैपेसिटी. हमारे जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट. एक फ्रेमवर्क, जैसे आपने पढ़ा होगा ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, FRF की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ फ्रेमवर्क्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं. वैसे ही एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है ERM दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट टू इफेक्टिवली डील विद अनसर्टेनिटीज. ठीक है, इसको आप रीड करना. और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम लोगों ने रिस्क मैनेज करने जा रहे हैं एंटरप्राइज वाइड रिस्क, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं. अलाइनमेंट ऑफ रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रैटेजी. आप जो स्ट्रैटेजी सोच रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, उससे आपकी जो रिस्क एपेटाइट है ना वो अलाइन हो जाएगी. मतलब टॉलरेबल लेवल जो है वो हर किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी में जो टॉलरेबल लेवल है वो मेंटेन रहेगा हमेशा. इट लिंक्स ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न. कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होता है, तो और उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है. तो इनको लिंक करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि जो थ्रेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना कर सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन. आपने उसको एसेस तो कर लिया, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज कैसी लगाओगे, वो आपका डिसीजन जो है वो इन्हांस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाता है. Identify and manage cross enterprise risk. Cross enterprise risk क्या होता है, एक enterprise में दो departments के बीच में risk. एक department down हुआ, दूसरा department की working बंद हो गई है. Stores में अगर कुछ अगर वो issue नहीं कर पा रहा material, तो production department रुक गया, या फिर IT department में servers down हो गए, पूरी organization के laptops बंद हो गए. ये चीज़ हो सकती है, ये आप identify कर सकते हो, manage कर सकते हो. ये benefit है ERM करने का. सीज अपॉर्चुनिटीज. जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होगे तो उसमें से कुछ इवेंट्स तो रिस्की निकलेंगे, कुछ इवेंट्स जो है उसको आप अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हो. प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क. बहुत सारे रिस्क हैं किसी रूम में, आपने उसको एक बड़ा सा उसमें कंट्रोल लगा दिया, तो आपकी जो बहुत सारी रिस्क हैं उनको आपने इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स दे दिया, एक्यूमुलेटेड रिस्पॉन्स दे दिया. रैशनलाइज कैपिटल. अगर किसी एसेट को जो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाओगे कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. और छोटा सा एसेट है और रिस्क बहुत कम है तो कम पैसा लगाओगे. तो ऐसे आप रैशनैलिटी ला सकते हो अपने कैपिटल एलोकेशन में. हमने देखा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है. अब हम ये देखेंगे कि एंटरप्राइज की रिस्क मैनेज की कैसे जाए, उसका फ्रेमवर्क क्या है. सबसे पहला इसमें पॉइंट है इंटरनल इन्वायरमेंट. इसमें 8 कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं of the 5 components which were mentioned in SA 315 internal control के. जो 5 components थे internal control के सबसे, और 5 components क्या थे, control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring. वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. उसमें सबसे पहले control environment आता है, यहाँ पर सबसे पहले internal environment आता है, and it's almost the same. इसमें भी यही लिखा हुआ है कि रिस्क एपेटाइट क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन की. आप उसको सेट करोगे, आप इंटेग्रिटी जो है उसकी, एथिकल वैल्यूज़ हैं वो आप देखोगे. फिर आता है ऑब्जेक्ट सेटिंग, जिसमें आप कुछ ऑब्जेक्ट्स, आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य आपके बिजनेस करने के हैं उनको सेट करोगे, तभी तो आप पहचान पाओगे कि उनके ऊपर रिस्क क्या क्या हैं. आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बिजनेस किस लिए चल रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो फिर आप उस पर कंट्रोल्स कैसे लगा पाओगे, या फिर आप क्या चाहते हो किसी एक प्रोसेस से. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट सेटिंग. उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो इवेंट्स which can be potential threats or opportunities.
उसके बाद क्या करते हो, रिस्क एसेसमेंट करते हो, देखते हो कि रिस्क आर एसेस्ड ऑन बोथ इनहेरेंट एंड रेसिडुअल बेसिस। इनहेरेंट रिस्क क्या क्या होती हैं, जो उसके एग्जिस्टेंस मात्र से उसके अंदर में होती है, किसी भी कंट्रोल के अंदर में रिस्क होती ही होती हैं जस्ट बिकॉज इट एग्जिस्ट्स, ठीक है, तो उनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो जनरली। और कुछ कुछ रेसिडुअल रिस्क होती हैं कि कितना भी आप काउंटर मेजर क्यों ना लगा लो, थोड़ा तो रिस्क रह ही जाता है। तो आप देखते हो कि जो आपकी रिस्क हैं वो इनहेरेंट रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क टुगेदर रिमेन एट एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑल द टाइम। ओके, फिर रिस्क का रिस्क जब आपने एसेस कर ली, उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, जो भी आपके रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं एक्सेप्ट करोगे, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कैसी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करोगे जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारे इफेक्टिवली कैरी आउट होते रहें, अच्छे से चलते रहें। जो हमने रिस्पॉन्सेज लगाए हैं उनको सेव करने के लिए हम कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएंगे। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट कर सकें। फिर आता है मॉनिटरिंग, जो भी कंट्रोल्स आपने लगा रखे हैं असेसमेंट करने के बाद, रिस्क का असेसमेंट करने के बाद जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो उनको आप समय समय पे मॉनिटर करते रहोगे। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी हो सकती है और सेपरेट इवैल्यूएशंस भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, आपका जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर रहा है, या फिर आपने कोई इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है वो काम कर रहा है, साथ ही साथ आप मॉनिटर करते रहो, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करते रहो, या फिर आप उसको सेपरेटली इवैल्यूएट करो। सेपरेट इवैल्यूएशंस में हम ऑनगोइंग मॉनिटर्स जो हमने लगा रखे होते हैं, ऑनगोइंग कंट्रोल्स लगा रखते हैं, उनको भी मॉनिटर करते हैं, उनको भी इवैल्यूएट करते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। अब आते हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स बहुत ईजी होते हैं, आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ रखे हैं बचपन में और आपको बहुत ही ईजी लगते हैं। हाँ जी, बहुत ईजी लगेंगे आपको, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सब कुछ लोग डर जाते हैं फ्लो चार्ट के क्वेश्चन से। सोचिए फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका पूरा सही हो जाएगा 10 में 10, ठीक है। फ्लो चार्ट्स आर यूज फॉर डिजाइनिंग सिंपल प्रोसीजर्स, कुछ प्रोसीजर हमको बताना है, कोई सिंपल प्रोग्राम है उसको कोडिंग करनी है, तो फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो चार्ट्स में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, आप देख सकते हो आपकी बुक में बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके सिंबल्स यूज होंगे वो ये होगा प्रोसेस वाला, ये डिसीजन बॉक्स यूज होगा जिसको डायमंड बॉक्स बोलते हैं, डॉक्यूमेंट का सिंबल यूज हो सकता है, डेटा का या इनपुट का सिंबल यूज हो सकता है, ये वाला पैरेललोग्राम बोलते हैं ना इसको, और स्टार्ट का एलिप्स ये यूज़ हो सकता है, और एक ये स्टोर डेटा, ये आपके इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। अब आप देखोगे स्टेप्स टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आप प्रोसेस पहचानोगे कौन सा प्रोसेस है जिसको आपने फ्लो चार्ट में तब्दील करना है, फिर उसके बाद आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसकी गेन करोगे। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर स्टेप्स कैसे पता चलेंगे। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन आएगा, और किसके लिए ये बेनिफिशियल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसके बाद ये देखोगे। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रिगर पॉइंट्स कि स्टार्ट कैसे हो रहा है फ्लो चार्ट, उसकी कुछ कैटेगरीज है, कोई एक्सटर्नल इवेंट से स्टार्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने सेल्स ऑर्डर दिया आपको, ठीक है, किसी यूजर डिपार्टमेंट ने परचेज ऑर्डर दिया, वो एक्सटर्नल इवेंट्स हो गए, कुछ नया कॉन्टेंट आ गया, वैसे भी फ्लो चार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, या फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे कि जो कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल्स होते हैं, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, उसमें किसी कस्टमर ने फीडबैक दिया या कंप्लेंट करी, वो हो गया आपका ह्यूमन इंटरवेंशन। फिर आप सेपरेट करते हो सारे स्टेप्स को विद इन अ प्रोसेस, है ना, और फिर उसके बाद क्लैरिफाई करते हो कि कौन क्या करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फ्लो चार्ट के, हमको रिलेशनशिप्स जल्दी से ग्रास्प हो जाती हैं, कौन किससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, कौन किस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। फिर उसके बाद इफेक्टिव एनालिसिस, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, पहले घर का ऐसे ऐसे ब्लूप्रिंट बनाता है उसके बाद घर बनाना शुरू करता है, वैसे ही एक फ्लो चार्ट एक प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। कम्युनिकेशन का अच्छा जरिया है क्योंकि फ्लो चार्ट सबको समझ में आ जाता है, आप पैराग्राफ्स लिख के दोगे ना समझ में नहीं आएगा किसी को, तो कम्युनिकेशन का अच्छा जरिया है। डॉक्यूमेंटेशन का अच्छा जरिया है, बिकॉज इफ़ यू गोना राइट पैराग्राफ्स प्लीथोरा ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल गेट एक्यूमुलेटेड, और वो स्पेस भी लेते हैं, एंड यू नीड टू स्टडी देम अगेन एंड अगेन टू टीच समवन हु इज़ न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन टू
तो फ्लो चार्ट जो होता है ना वो कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अच्छा जरिया होता है। एफिशिएंट कोडिंग हो जाती है, हमको सारे प्रोसेसेस पता होते हैं, प्रोग्राम की डीबगिंग अच्छे से हो जाती है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, प्रोग्राम आपका नहीं चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम थी। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी अच्छे से हो जाता है आपको, क्योंकि वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि कौन से वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर कंट्रोल्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है। आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये समझ में आ जाता है और आप उसी हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हो कंट्रोल्स। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। लॉजिक जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा आप सीख जाओगे आपको बहुत इजी लगेगा। मॉडिफिकेशन क्या, अगर कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है, कोई स्टेप आपको समझ में आ गया कि गलत है, आपको पूरा का पूरा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं ना, ऐसे वाले, डायमंड शेप वाले, एलिप्स वाले, उनको ना टाइप तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए लिंकेज बिटवीन कंडीशंस एंड एक्शंस टू बी टेकन, हमको समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से एक्शंस आप उठा सकते हो। फाइनली आपको पूरा फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए, और कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी ये आपको नहीं समझ में आता है इन द बिगिनिंग और प्राइमा फेसी चार्ट को पढ़ते हुए। स्टैंडर्डाइजेशन, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन कम होता है, क्योंकि आपने C++, जावा, HTML, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, इसके फॉर्मेट में तो लिखा नहीं होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन कम होता है। आप आगे देखोगे कि आप किसी भी तरह के इनपुट्स का जो लैंग्वेज है ना, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। डिस्काउंट है तो DISC लिख सकते हो, पूरा डिस्काउंट लिख सकते हो, डिस्को भी लिख सकते हो, तो थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन कम होता है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी फ्लो चार्ट बनाने का। इस रिवीजन लेक्चर में फ्लो चार्ट बनाना के एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे दे रही हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है ना, P(N)R, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो होगा ना, कोई इनपुट करेगा ना, कोई इनपुट करेगा, ये इनपुट वाला बॉक्स है, इनपुट, इनपुट वाला पैरेललोग्राम। तो इनपुट क्या करना है हमको, P(N)R। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला प्रोसेस बॉक्स में आएगा, प्रोसेस बॉक्स विच इज अ रेक्टेंगल। इसमें आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, SI इज इक्वल टू P(N)R। ठीक है, इसके बाद कर दोगे, देखिए आपका जिसमें आउटपुट जा रहा है, इनपुट जा रहा है, उसी बॉक्स में आपका आउटपुट भी आ रहा है पैरेललोग्राम में। आप कहोगे प्रिंट, प्रिंट का मतलब है प्रिंट आउट नहीं निकालना है, प्रिंट का मतलब है स्क्रीन पे शो करो, ये उसके लिए बॉक्स बना होता है आउटपुट शो करने के लिए, प्रिंट SI। देखो SI को हम लोगों ने यहाँ इनपुट में लिखा था, बिकॉज SI इज नॉट इनपुट, इट इज द आउटपुट, एंड वी आर गोना डिफाइन कि आउटपुट जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, और इसके बाद हम कर देंगे फ्लो चार्ट का एंड। ये आपका छोटा सा सिंपल सा फ्लो चार्ट है फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही आपके कुछ फ्लो चार्ट्स आपके बुक में दिए हुए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ और, कभी कभी हम लोगों को ना फ्लो चार्ट में बार बार प्रोसेसिंग करवाना पड़ता है। जैसे फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम लीजिए, या फिर कुछ परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, परसेंटेज निकालो कि इस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो आप कैटेगरी तो का तो फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन आपको हर बार 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 इनपुट करना पड़ेगा ना, कंप्यूटर से कहना पड़ेगा इसको भी प्रोसेस कर ले, इसको भी प्रोसेस कर ले, इसको भी प्रोसेस कर ले, और इस वाली कैटेगरी में जोड़ दे, और जो टोटल है उससे हम मल्टीप्लाई करके जो है परसेंटेज निकाल लेंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए आप फ्लो चार्ट को वापस घुमा सकते हो बीच के किसी स्टेप से, और एक एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हो A=A+1 के बाद। आप मान लीजिए आपको 100 बार प्रोसेसिंग करवानी है, तो आप पूछ लोगे क्वेश्चन, इज A=100। अगर 100 हो चुका होगा तब तो ठीक है, तब तो प्रिंट कर देंगे, नहीं हुआ होगा तो हम वापस प्रोसेसिंग करवाएंगे। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लीज उनकी प्रैक्टिस करिएगा। देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम्स। एज द नेम सजेस्ट्स, दीज डायग्राम शो द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन डायग्राम्स को, जिसमें हम कुछ स्विम लेन्स बनाते हैं हर प्रोसेस को, जैसे ओलंपिक्स में स्विम लेन होती है ना, वैसे हम हर प्रोसेस को स्विम लेन्स में शो करते हैं कि ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट ये करेगा, डिपार्टमेंट वाइज। ऑल राइट,
ये हमको क्या शो करते हैं कि सिस्टम जो है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, क्या क्या रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो कहाँ कहाँ फ्लो करेगा. तो इसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं विचार. ये प्रोसेस शो करता है, ये डेटा फ्लो, ये कोई एक्सटर्नल एजेंट है, कोई डेटा स्टोरेज, ये कोई रियल टाइम लिंक है. रियल टाइम लिंक का मतलब होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, जिससे इंफॉर्मेशन आती भी है जाती है बैक एंड फोर्थ, वो रियल टाइम लिंक होता है. अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ऑर्डर टू कैश साइकिल है कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और कैश मिलने तक. तो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है. सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ऑर्डर मिला तो ऑर्डर फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट को भेजा, उसने चेक किया, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है, ठीक है, भेज दो, सेंड कर दिया कस्टमर को. नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बोला कि प्रोडक्ट बनाओ. इसने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट भेज दिया. प्रोडक्ट बनाने के बाद इसने क्रिएट किया इनवॉइस, इनवॉइस फॉर द ऑर्डर्स. इनवॉइस क्रिएट किया रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इसने उसको बोला कि बेटा इनवॉइस क्रिएट कर दो, पैसे चाहिए ना. हाँ, फिर उसके बाद इसने कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने सारी पेमेंट जो है वो, सॉरी, कस्टमर ने पेमेंट कर दी और अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट ने उसको रिसीव कर लिया, फिर इनवॉइस क्लोज हो गया. ये हो गया सिंपल सा एक DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, जो आपकी ऑर्डर टू कैश साइकिल शो करता है. आपको थोड़ा सा DFD देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा. रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस. कुछ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि इन्वेंटरी एंड HR एंड एसेट्स. तो इसको क्या, इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, कंट्रोल्स लगाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे. तो तीन लेवल पे आप कंट्रोल्स लगा सकते हो. एक कैनकॉन, जैसे आप सोचते हो ना कि आपको आपके फ़ोन में इतने इतने मेगापिक्सल कैमरा मिले, ये OS होना चाहिए, आपका एंड्रॉयड जो है उसका वर्जन स्नैपड्रैगन होना चाहिए, ये सब आप सोचते हो ना, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन में आता है. आपका कितना GB रैम है, ये सब चीज़ें. तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में जो इट इज़ रेफर्स टू द वे अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सेटअप, कैसे सेटअप हुआ है, उसका रूल्स क्या है, वो आपका कॉन्फ़िगरेशन में आता है. ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ. मैपिंग ऑफ अकाउंट्स टू फ्रंट एंड ट्रांजेक्शन्स लाइक सेल्स एंड परचेज. आप बिग बाजार के आउटलेट में जाते हो और उसको पता होता है कि आपने पहले कितनी बार शॉपिंग कर रखी है और कितने आपके पॉइंट्स हैं. तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो मैप्ड होता है ना हर एक स्टोर में सिमिलरली. तो ये आपका सॉफ्टवेयर का कॉन्फिगरेशन हो गया. तो इसमें आप कंट्रोल्स लगा सकते हो. फिर क्रिएशन ऑफ वेंडर टाइप, कस्टमर टाइप, ईयर एंड प्रोसेसेस, पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन व्यू कर सकता है, कोई यूज़र छोड़ के जा रहा है या कोई नया यूज़र आ रहा है, तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा. मास्टर्स क्या होते हैं, मास्टर्स आर मोर ऑफ परमानेंट डेटा, मोस्टली परमानेंट डेटा. जैसे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के गए तो आपका जो आधार नंबर है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, वो सब कुछ मास्टर्स में आएगा. उसके अलावा जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है दैट चेंजेस फ्रीक्वेंटली. ठीक है, ये आप सेकेंड चैप्टर में भी देखोगे. और इसमें आप किस तरह के कंट्रोल्स लगाओगे, जैसे कि कस्टमर मास्टर्स है तो उसमें कुछ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट्स, हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं ना कस्टमर को, तो हमने किसी का क्रेडिट लिमिट ऐसा सेट कर दिया कि ठीक है इसको हम 50 लाख के ऊपर जो है वो क्रेडिट पे माल नहीं बेचेंगे, और वो जो लिमिट है वो अप्रूव्ड लिमिट हो गई. तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस बात का ख्याल रखेगा कि क्रेडिट जो मिला हुआ है अप्रूव्ड, उसके ऊपर क्रेडिट में उस पर्टिकुलर कस्टमर को सेल्स ना हो पाए. सिमिलरली ट्रांजैक्शन लेवल पे आप जो है वो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो. अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स रिस्क के और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या होने चाहिए. आपकी बुक में पूरे सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आप एक बार रीड करोगे. परचेज टू पे साइकिल है, अगर उसमें अनऑथराइज चेंजेस मास्टर फाइल में हो सकते हैं, ये रिस्क है. चेंजेस करे लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुए या डिले हो गए, या परचेज ऑर्डर जो है उसको सही से करेक्टली एंटर नहीं किया तो गलत ऑर्डर आ गया आपके प्रमाइसेस में, या कोई व्यक्ति जो ऑथोराइज नहीं था PR करने के लिए, नहीं नहीं आप ऑथोराइज नहीं हो, वो तो मम्मी पापा आपके मना करते हैं, मैं बात कर रही हूँ एक कंपनी की, PR परचेज रिक्विजिशन करने के ऑथोराइज नहीं थे कुछ व्यक्ति, उन्होंने भी परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर दिया. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब ठीक से कैलकुलेट नहीं हुआ है और एंटर नहीं हुआ है. ऑर्डर टू कैश साइकिल में आप क्या देखोगे, उसका प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले कस्टमर जो है वो ऑर्डर करता है, फिर वो ऑर्डर फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजता है जो ये इंश्योर करता है कि वेयर हाउस से डिलीवरी हो जाए, शिपिंग कंपनी डिलीवरी कर रही है, ये सब चीज़ें देखता है. फिर डिलीवरी नोट आपको मिल गया, आपने फिर इनवॉइस रेज कर दिया. डिलीवरी नोट जो होता है ना वो कस्टमर जो होता है ना साइन करता है ना, ऐसे आप साइन करते हो अमेज़ॉन का जब ऑर्डर रिसीव करते हो, हाँ कुछ वैसा ही होता है डिलीवरी नोट.
और इनवॉइस जो है वो रेज कर दिया कस्टमर पे, कस्टमर से पैसे आ गए और आपने उसकी अकाउंटिंग कर दी, ये ऑर्डर टू कैश साइकिल हो गई। वैसे ही इन्वेंट्री की क्या साइकिल होती है, पहले रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, रॉ मटेरियल जो है वो WIP बन गया, प्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद वो बन गया फिनिश्ड गुड्स और डिलीवर हो गया। HR डिपार्टमेंट जो होता है उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, सबसे पहला रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग। जैसे प्लेन में आप बैठते हो ना, वो कहता है वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम ऑन बोर्ड, वैसे ही आप उसको कंपनी में बुला रहे हो, प्लेस कर रहे हो, प्लेसमेंट, ठीक है। और रिक्रूटिंग का क्या मतलब होता है, एड्स निकालना, इंटरव्यूज लेना, ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग। ओरिएंटेशन मतलब एक एम्प्लॉय को अवगत करवाना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, और उसकी करियर प्लानिंग आप करोगे कि जो कॉरपोरेट लैडर है उसमें वो कैसे ऊपर चढ़ पाएगा, उसका प्रमोशन किस तरह से होगा, करियर डेवलप करोगे उसका, और टर्मिनेशन एंड ट्रांजिशन के टाइम पे इंश्योर करोगे कि आप, मैं चार डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, आप नहीं, चार डिपार्टमेंट करेगा, एग्जिट इंटरव्यूज ले रहे हैं कि नहीं, उससे फीडबैक ले रही हैं कि नहीं कि तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योर किया हमने, फिक्स्ड एसेट्स आ गए प्रमाइसेस में, फिर हमने ऐड किया फिक्स्ड एसेट्स को, एक एसेट कोड दिया उसे और हमने उसको अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में उसको फीड कर लिया कि भाई ये एसेट आया है, इस पे ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा, ये इसकी सैलवेज वैल्यू है, इतने साल बाद इसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। फिर एडजस्टिंग द एसेट्स, मान लो कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स करवा दिए जिससे उसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गई, तो आपको किस तरह से उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, ये चेंज मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, कुछ मेजर रिपेयर्स करवा दिए या फिर आपने लोन ले रखा है तो कब तक, किस कब तक का पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा, कब तक के पीरियड के बाद जो है वो PL में जाएगा। फिर ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी क्या एंट्रीज होनी है, ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस आपके सिस्टम में कन्फिगर्ड होते हैं। डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन मेथड्स क्या हैं, डिस्पोजिंग के टाइम पे किस तरह की एंट्रीज होंगी और क्या क्या होगा। जनरल लेजर क्या होता है, जनरल लेजर जो होता है ना, जो फाइनल रिपोर्ट होती है ना, बैलेंस शीट PL, उसको बनाने के लिए जो कस्टमर्स की एंट्रीज, वेंडर्स की एंट्रीज होती है ना, वो GL में जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका क्रेडिटर का एक GL हो गया, क्रेडिटर है तो उसमें बहुत सारे वेंडर्स हो गए जिसको हमने, कंपनी ने पैसे देने हैं, एंटरप्राइज ने पैसे देने हैं, ठीक है। तो टिपिकल प्रोसेस क्या हो गया, एक प्रोसेस क्या होता है GL को क्रिएट करने का, सबसे पहले एंट्री होगी, एक व्यक्ति एंट्री करेगा, दूसरा व्यक्ति उसकी एंट्रीज को रिव्यू करेगा, तीसरा अप्रूव करेगा, और फिर उसके बाद पोस्टिंग होगी, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट और PL जो है वो जनरेट होगा, ओके। कुछ रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं कंपनी के मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, और एक ऑडिटर की भी दी हुई हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 134 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि अंडर इट्स क्लॉज सी डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को कुछ डिक्लेरेशंस देनी पड़ेंगी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जो कि होता है एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर, जो कि होती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, समझ गए। हाँ, वेरी गुड। तो डायरेक्टर्स क्या डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने प्रॉपर एंड सफिशियंट केयर करी थी, क्या क्या करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए और प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज, ये उनको बोलना पड़ता है कि हमने केयर करी हुई है। सेकेंडली, अगर डायरेक्टर्स हैं इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी, उन्होंने, उनको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स ले डाउन किए थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए थे, स्पेशली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एंड दीज कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, सही से काम भी कर रहे थे पूरे साल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का क्या मतलब होता है, दीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर वही तीन चीज़ें, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एंड एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ओके, कर लेगा, डिक्लेयर कर देगा क्योंकि उसने लगा रखे हैं कंट्रोल्स, लगाने ही पड़ेंगे। सेक्शन 143, 143 जो है वो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताता है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओपिनियन देगा, ओपिनियन देता है, ओपिनियन देगा कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगा रखे हैं ना डायरेक्टर्स ने, जिसको वो बड़े उसको डिक्लेयर कर रहे हैं डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, वो क्या सही से ऑपरेट कर रहे हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे भी हैं या नहीं, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर्स रिपोर्ट में डिक्लेयर करने के लिए, ओके। अगर ये कंट्रोल्स लगाने के बावजूद
कुछ मटेरियल वीकनेसेस, मटेरियल मतलब मटेरियल तो आपको पता है ना, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट्स में पढ़ रखा है, वेरी गुड। मटेरियल वीकनेसेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो और ऑडिट परफॉर्म करेगा, और ऑडिट प्लान करेगा और उसको परफॉर्म करेगा, और ताकि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है उसको ऑप्टेन कर सके, ताकि उसके पास रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके कि द अकाउंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, थोड़ी सी ऑडिट की लैंग्वेज यूज़ करी हुई है लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑडिटर से रिलेटेड टर्म्स है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है एक कंपनी, कितना फेयर है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, अपना आंसरेबिलिटी करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल आपने नारायण मूर्ति जी को बोलते हुए सुना होगा इन्फोसिस में कि आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द प्रमाइसेज इन द इवनिंग एंड दे कम एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अपना ग्रेटेस्ट एसेट बोला था इन 2015। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, फेयरनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, फेयर। ऑल राइट, तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में क्या क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपका फ्रेमवर्क है किसी कंपनी का, उसमें क्या क्या होना चाहिए। कोई कंपनी अगर किसी भी तरह से अपने स्टेक होल्डर से रिलेटेड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इम्प्लिसिट हैं या एक्सप्लिसिट हैं, कोई इंटरेस्ट्स बियर करती है, तो वो पता होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और कुछ स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है ना कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, जैसे कि कंपनी जो है वो सोचती है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं और किसी बड़ी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे, तो उस बात से कुछ लोग खुश होंगे, कुछ स्टेक होल्डर्स, और कुछ स्टेक होल्डर्स जो होंगे ना शेयर होल्डर्स, वो दुखी भी होंगे। तो उनके इंटरेस्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उस समय उसका रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाएगा, वो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रॉपर सुपरविजन कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन फ्लोज टू सर्व एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। प्रॉपर सुपरविजन कैसे करोगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, कंट्रोल्स लगाओगे उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, इन्फॉर्मेशन फ्लो के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, वो अब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या क्या चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट गेव दी अ लीगल स्टेटस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसने ही माना था कि आप ईमेल पे भी अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट इज़ अ वैलिड एनफोर्सेबल अग्रीमेंट एंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इट अकॉर्ड्स लीगल सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब जैसे अभिषेक करते हैं ना, इट इज़ अ सीक्रेट वर्ड, सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेट वर्ड। लीगल सैंक्टिटी अकॉर्ड करता है टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये इसका मेन पर्पज था। इसने डिजिटल सिग्नेचर को, इन सब चीज़ों को लीगल स्टेटस दे दिया था। तो ये बताता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंसेस क्या होते हैं जिनको माना गया है कि हाँ ये साइबर क्राइम्स हैं। साइबर क्राइम इज़ नो वर्ड ऑल दो, बट हम देखते हैं। सबसे पहला हैरेसमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल, किसी कोई लड़की होती है ना उसकी फेक पब्लिक प्रोफाइल लड़के लोग बना लेते हैं, उनका शादी का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करती तो हाँ, फिर उसको ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स दे देते हैं, प्रोस्टिट्यूट वगैरह, ये सब हैरेसमेंट करते हैं। तो ये गंदे काम आप कभी मत करना, ठीक है, कभी भी मत करना, किसी को भी हर्ट नहीं करना, आप लोग नहीं करोगे ना, वेरी गुड। ईमेल अकाउंट हैक कर लेना, गलत ईमेल्स भेजना या ईमेल्स टैप करना और उसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो कैच करना, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड, वेब डीफेसमेंट, डीफेस करना मतलब उसका फेस ख़राब करना, मतलब जो होम पेज है किसी गवर्नमेंट की साइट का उसको रिमूव करके उसमें कुछ पॉर्नोग्राफिक कंटेंट डाल देना, डीफेमेटरी कंटेंट डाल देना, जो ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस, वॉर्म्स, बैकडोर्स, रूट किट्स, ट्रोजन्स, बग्स, साइबर टेररिज्म करना, साइबर पॉर्नोग्राफी, ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। आपने जैसे है साइट, आपने सोचा कि चलो स्टार्टअप करते हैं, एक साइट बनाते हैं टू सेल कैनिबास, कैनिबास लीव्स, कैनिबास को बोलते हैं गांजा, आपने गांजा बेचने के लिए एक साइट बना दी, नहीं वो इलीगल हो जाएगा, वो आपका साइबर क्राइम हो जाएगा। ठीक है, फिशिंग, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम्स, ईमेल के स्कैम्स, ये सब चीज़ें। थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, सोर्स कोड थेफ्ट, जैसे किसी कंपनी का क्राउन ज्वेल एसेट, कोका कोला का फॉर्मूला चुरा लिया आपने, तो उसको कहते हैं सोर्स कोड थेफ्ट। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम का मेंशन जो है ना किसी भी लेजिस्लेशन में या आईटी एक्ट में नहीं है वैसे तो, लेकिन साइबर क्राइम जो होता है ना, इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिशनल क्राइम डन विद कंप्यूटर्स, जैसे हैकिंग, कोई अनऑथोराइज इंट्रूजन कर रहे हो आप, जैसे पहले चोरी करते थे, अनऑथोराइज इंट्रूजन करते थे घर के अंदर, वैसे आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने साइबर क्राइम्स बोल रखा है। एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉज, साइबर लॉज जो बने हुए हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं,
ईमेल इज़ नाउ अ वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन बी ड्यूली प्रोड्यूस्ड एंड अप्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि देखो ईमेल पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो एनफोर्सेबल होगा. कंपनीज कैन नॉट कैरी आउट ई कॉमर्स यूजिंग द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड बाई द एक्ट. ई कॉमर्स कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर को लीगल वैलिडिटी दे दी गई है और डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के लिए कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है ना, तो ये नया फील्ड फॉर डूइंग बिजनेस बन गया है. गवर्नमेंट भी अब नोटिफिकेशन जो है ना ऑफिशियल गजट वाले वो वेब पे दे सकती है, या फिर जो आरबीआई है वो अपना मास्टर सर्कुलर नोटिफिकेशन सब कुछ अपने आरबीआई के साइट पे देने लगा है. कंपनीज जो हैं वो फॉर्म्स फाइल करती हैं, एमसीए में एनुअल फाइलिंग करती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंफॉर्मेशन रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल होते हैं, वो सब कुछ कंपनीज कर सकती हैं. तो इन सब चीज़ों को लीगल स्टेटस दे दिया है और एक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को, क्योंकि हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. एंड इट गिव्स लीगल डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स. हम लोगों ने ऊपर देख लिया है. अब हम देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी मतलब क्या होता है. प्राइवेसी पॉलिसी किसी कंपनी की बताती है कि जो आप इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो वो क्यों मांग रहे हैं वो, और उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है. जब आप किसी ऐप के लिए साइन अप करते हो ना, जैसे आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया, कोई शॉपिंग साइट इंस्टॉल करी है ना, फिर वो आपसे एक्सेस मांगता है, कैन वी एक्सेस टू योर कैमरा, कैन वी एक्सेस टू योर व्हाट्सएप, कैन वी रीड योर मैसेजेस, आप अलाउ 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 करते जाते हो ना, तो उनकी उस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी होती है. आप पढ़ते भी हो कभी कभी उसको खोल के, नहीं मुझे पता है आप नहीं पढ़ते हो, हाँ मत बोलो, ठीक है. SPDI क्या होता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन. कुछ पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव नेचर की हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में OTP आया या आपके ATM का पिन, ये सब चीज़ें. तो एक इसके लिए एक रूल्स बने हुए हैं, RSPP एंड SPDI रूल्स 2011. मतलब एक सेकेंड, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन रूल्स 2011, जिन्होंने कह रखा है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट्स पे अप्लाई करते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट्स मतलब सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्रेटरशिप, AOP जो किसी तरह की कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ये उन पर अप्लाई करते हैं. लेकिन ना ये गवर्नमेंट बॉडीज़ पे अप्लाई नहीं करते हैं. और कुछ इंडिविजुअल्स कलेक्टिंग बिग डेटा, बिग डेटा मतलब क्या पता है क्या होता है, हर सेकेंड आपका डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका जो गूगल मैप्स है ना, आप अगर लोकेशन ऑफ भी कर रहे होगे तब भी वो आपकी सही लोकेशन ब्लू कलर के डॉट पे शो कर रहा होगा, आप चलते भी जाओगे ना तो वो मूव करेगा डॉट, तो पूरे टाइम गूगल मैप्स आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो रिकॉर्ड करता रहता है. तो ये बिग डेटा हो जाता है. बिग डेटा मतलब समझ लो बिग डेटा, हाँ समझ गए आप लोग. एंड येट विद IoT, IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब थिंग्स का इंटरनेट, हाँ यही मतलब है उसका. जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या जो ऐप्स हैं वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं. आप मिंत्रा पे एक कपड़ा देखते हो और वो आपको दिखाई देने लगता है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऐप्स कम्युनिकेट बिटवीन देमसेल्व्स, वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो ये सब चीज़ें जो हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, ये सब चीज़ें राइज पर हैं. तो ऐसे में किसी ना किसी तरह से बिग डेटा का इस्तेमाल गवर्नमेंट बॉडीज़ कर सकती हैं या इंडिविजुअल्स कर सकते हैं उनके ऊपर, ऑल दो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं हैं. सेंसिटिव डेटा का क्या मतलब होता है, चलिए पहले हम देखते हैं पर्सनल डेटा का क्या मतलब होता है. इन्फॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू अ नेचुरल पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन, कंपनी की बात नहीं हो रही है. कोई इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कॉम्बिनेशन विद अनदर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल और लाइकली टू बी अवेलेबल, मिल रही है उसके पास, अवेलेबल है या मिल सकती है किसी बॉडी कॉरपोरेट को, जो कि मदद करे उस बॉडी कॉरपोरेट को किसी व्यक्ति को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, उसको कहते हैं पर्सनल डेटा. ओके, कि हाँ यही वो व्यक्ति है जो बार 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 कार्ट में सामान ऐड करता है लेकिन कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करता. ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है. सेंसिटिव डेटा क्या होता है, पासवर्ड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गए. कॉन्सेंट टू कलेक्ट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आप लोग समझ गए ना, फर्म हो, AOP हो, कंपनी हो, वो सब डेटा कलेक्ट करने से पहले आपसे कॉन्सेंट लेंगी इन राइटिंग, ठीक है. इन राइटिंग आपको कॉन्सेंट लेंगी थ्रू लेटर, फैक्स एंड ईमेल फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल पेटीएम जो है वो फास्टैग इशू कर रहा है ना, फास्टैग मैंडेटरी हो गया है, तो उसने RTO से इन्फॉर्मेशन ली होगी ना कि हाँ ये गाड़ी इसी व्यक्ति की है जो ऑर्डर कर रहा है, उसने आप
वो फोटोज़ भी मांगता है आपके आरसी की, आपकी जो गाड़ी की आरसी होती है ना उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो फास्टैग देते हैं। तो उनके पास है ना डेटा, तो उन्होंने इन राइटिंग कॉन्सेंट लिया होगा कि हम आपका जो डेटा है आरटीओस का डेटा या गाड़ियों का डेटा वो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फास्टैग्स को चेक कर सकें और ऑथेंटिक लोगों को ही प्रोवाइड कर सके फास्टैग्स। ठीक है, कॉन्सेंट टू डिस्क्लोजर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी और से, मान लो ये पेटीएम है और ये हो गए आपके आरटीओ ऑफिस वाले, इनसे डेटा ले रखा है ना, तो इनसे अगर अगर ये और इसको कहीं डिस्क्लोज़ करना है किसी अपने ऑडिटर के पास या किसी लीगल एंटिटी को पेटीएम ने डिस्क्लोज़ करना है कभी डेटा, तो वो इससे कॉन्सेंट लेगा डिस्क्लोज़ करने के लिए, या तो अगर नहीं नहीं लेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मैंशनड है, और लेना पड़ेगा उसको किसी थर्ड पार्टी को डेटा डिस्क्लोज़ करने से पहले, क्योंकि इसने दिया था ना इसको डेटा, इसने दिया था ना, तो वो कैसे डिस्क्लोज़ कर देगा इसकी परमिशन के बिना। लेकिन अगर लीगल कंप्लायंस होता है तो कभी कभी डिस्क्लोजर के लिए कॉन्सेंट लेने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको वीडियो को सुनते रहिए और फ्लो चार्ट जो है वो घर में प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज़ फ्लो चार्ट के लिए ये लेक्चर नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू सो मच।